शिवसेना एमपी अरविंद सावंत ने अपनी कंप्लेन लिखवाई है स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के पास, जी हाँ, अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी हाँ, इस केस को आगे पहुंचाने में कहीं ना कहीं रिपब्लिक टीवी का ही बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये मुहिम जो है ये थोड़ी ठंडी पड़ गई थी बीच के कुछ दिनों में, जब सुशांत की फिल्म रिलीज हुई उसके बाद से लगातार अर्नब गोस्वामी एंड रिपब्लिक टीवी ने इस मुद्दे को जिंदा किया। और अब ये मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस की तरफ पहला स्टेप बढ़ाना पड़ा और उन्हें सीबीआई इंक्वायरी देनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपब्लिक टीवी का बहुत ज़्यादा एक लगातार प्रेशर बना हुआ था। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कंप्लेन की है शिवसेना के एमपी ने। उन्होंने कहा है कि अर्नब जो है वो बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी सबूत के लगातार उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं और एक सेक्शन ऑफ पीपल को प्लीज करने के लिए, कुछ लोगों की कहने पर कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए लगातार जो है इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लगातार नाम ले रहे हैं उद्धव ठाकरे का, जो कि गलत है। ये वो रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट के और उनको इस तरह की बातें उनके अगेंस्ट नहीं करनी चाहिए। अब इस चीज पर हालांकि अभी तक अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ करते हैं, क्योंकि अरविंद सावंत का ये कहना है कि अर्नब गोस्वामी उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी बैठनी चाहिए, क्योंकि वो ये जो हरकत कर रहे हैं लगातार चीफ मिनिस्टर का नाम लेना और इस तरह की बातें कहना, ये सरासर गलत है। अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर बताइए कि आपकी क्या कुछ राय है इन चीज़ों को लेकर। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।